यहाँ पे नहला रही है नेहा रूपसी को। ये देखिए कितने प्यार से नहा रही है रूपसी। रूपसी तो नेहा ने रूपसी को तो नहला दिया है और अब बारी है गोलू और रैम्बो की। तो लगे हाथ गोलू और रैम्बो को भी नहला देते हैं। बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है हमेशा की तरह। ऊपर साइड को लगा हुआ है कोहरा और पार साइड को ऐसा कुछ हो रहा है और यहाँ को लगी हुई है बढ़िया सी धूप। हाँ भाई तैयार है नहाने के लिए? ओ ये तो उठ भी गया। टूट यार चल 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 रैम्बो। हाँ बोल का ये कॉलगेट भी कर रहा है। ये अपने दांत साफ करता है रैम्बो। देखो ये देखो हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का इस शानदार से मौसम के साथ फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल का सीन ऐसा कुछ है, मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि ताऊजी की दवा ख़त्म हो गई है तो उनके लिए दवा भी लेके आना है और थोड़ा बहुत और भी सामान है तो वो भी लेके आऊँगा। और साथ ही यहाँ को देखिए खेतों में रुपाई का काम हो रहा है। एक वहाँ पर लगा रहे एक यहाँ पर लगा रहे। ओके जी तो यहाँ पर लगा रहे रुपाई और मज़े की बात यह है कि खेत तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है तो यहाँ से ऐसे बाल्टी से या डब्बे से यहाँ से भर के ऊपर में डाल रहे हैं देन रुपाई लगा रहे हैं। बाप रे मोटर कहाँ मोटर यार आप है लगाओ आप कहाँ मोटर हूँ आप। तो ऐसे लगा रहे हैं भैया रुपाई। तो मार्केट का काम तो मेरा हो गया था और साथ में हमने नहा भी लिया है। मार्केट से हम लोग आ चुके हैं और केसु नंदू प्रधान और दिबू आए थे नहाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने नहाया और रास्ते में हो गई थी बारिश, सब लोग भीग गए ये देखिए और मैं भी भीग चुका हूँ। तो अब एक बार जाबू को दवा दे के आता हूँ देन उसके बाद कपड़े चेंज करूँगा फिर दिन का खाना खाएँगे। और वैसे गेट है मगर हम थोड़ा अटपटा सा काम करते हैं तो बाहर के रास्ते जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मम्मी का चल रहा है गडेरी लगाने का काम। तो ऐसे लगा रही है मम्मी गडेरी और फोन में भी बात कर रही है, दो दो काम एक साथ कर दे रही है मम्मी। काम बोया था इसमें पानी नहीं हुआ तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया गडेरी के फोन लगा दिए। तो मम्मी कह रहे हैं कि मम्मी ने खेत में पहले भांग बोया था वो तो हुआ नहीं तो मम्मी जो है गडेरी बो दे रहे हैं, गडेरी या पिनालू जो भी कहते हैं उसे वो बो दे रहे हैं। तो शाम का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है पहाड़ों का, ये देखिए सुनसान सा माहौल। तो आज का सीन हुआ क्या ना, जैसे ही मैं मार्केट से दवा लेके घर के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे मिल गए थे दिबू केसु लोग। तो वो लोग कह रहे थे कि आज भी नहाने जाते हैं तो उनके साथ मैं नहाने के लिए चले गया था और वीडियो मैंने बनाई नहीं फिर क्योंकि रोज़ एक जैसा हो जाता। तो हम नहाने के लिए चले गए थे और नहाते वक्त मेरे कानों में पानी घुस गया था तो अजीब सा हो रहा है मतलब बंद बंदे टाइप का। और साथ ही देखिए यहाँ पे आमा का चल रहा है मिर्च गुड़ाई का काम और आमा ने इतना घास भी बना दिया ये देखिए यहाँ पर भी वहाँ पर भी और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी। और एक साथ हम दो दो काम कर रहे हैं, एक तो मिर्च की गुड़ाई हो गई और साथ में घास भी काट रहे हैं क्योंकि चाची लोग गए हुए हैं रुपाई यानी कि पलटन है माँ। हाँ ओके जी महाराज। तो मैं हूँ अभी धमू चचा लोगों के खाल में और यहाँ से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है सभी लोग रुपाई लगा रहे मतलब चलिए एक बार आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पर नीचे है केसु दिबू लोगों की रुपाई यानी कि गोविंद चचा लोगों की रुपाई और वहाँ पर से बीज उखाड़ रहे हैं फिर वहाँ से लेके आ रहे हैं इधर। बाकी वहाँ पे भी है रुपाई और वहाँ पे भी है रुपाई। और अब साथ ही मेरा काम क्या है आप लोगों को पता है, मैं बारी बारी सबके वहाँ जाऊँगा और सबसे सबके हाल जानूँगा। और हमारी रुपाई तो फिलहाल है नहीं, शायद दो तीन दिन के बाद हो, मतलब फिक्स नहीं है कि कितने दिन में होगी क्योंकि पानी की थोड़ी बहुत कमी हो रही है ना। एक तो सब लोग एक साथ लगाएंगे तो और पानी की कमी होगी तो एक बार सब लगा लेंगे देन उसके बाद हम लगाएंगे ताकि आखिरी में लगाते वक्त पानी की कमी ना हो। और साथ ही मुझे ना एक बात का अंदाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ या छोटी आवाज़ में करके क्योंकि मेरे दोनों कानों में पानी घुसा हुआ है तो बंग टाइप का हो रहा है तो मालूम नहीं चल रहा है कि मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ या छोटी आवाज़ में बोल रहा हूँ करके।
तो चाचा बा रहे हल, और चाची और सरिता यहाँ पे डाल रहे हैं पुत, वो बने हैं पुत्यार, और चाचा बने हैं बॉसी, दिबू भी बना है बॉसी, और जवाई जी भी पूरा काम संभाल रहे हैं अपना। दीदी सरिता ना है, अरे मिला सरिता है ठारी, अरे ये गड़बड़ हो गया, वो सरिता नहीं वो बहू है। और केसू भी पूरा बॉसी बना हुआ है। केसू तूने बॉस पकड़ा है या बॉस ने तेरे को पकड़ा है? अंदाज नहीं आ रहा है, तोलना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे डाल रहे हैं पुत, ऐसे डालते हैं, ये देखिए। असले रहा ए कोलु शू कुलाल शू ओय हरा हरा लिबन में यार। एक पुतियारी आजे आगान चाची, हरा हरा आओ चाची, आज ना गुण्यो क्यों रे वो चप्पल क्या टोड़ाई तो खान तो यहाँ पे लग रही है चाचा लोगों की रुपाई। अब जाते हैं मेजदा लोगों के वहाँ, और उससे पहले जाते हैं ब्यन में कि आमा चाची लोग ब्यन कैसे निकाल रहे हैं वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर था ब्यन, जिनको निकालने के बाद ऐसे ये मुट्ठे टाइप के बना दिए हैं, ये देखिए ऐसे मुट्ठे। अब इसको खेतों में लेके जाएंगे, देन इनको फिर उसके बाद रोपा जाता है। अब देखिए जो भी ये बीज था ना जो मैं आपको बता रहा था वो डक्कू में डाल दिया है ऐसे, डाल दिया ऐसे। हाँ अब पुते डालेंगे, पुते डालेंगे। हाँ। इनको वहाँ कौन ले जाएगा? मैं ले जाऊंगी। आप ले जाओगे? अच्छा जिंदाबाद। और ये जेज है, ये चाची है वो भी जेज है। चलो भाई ले जाओ, लगाओ नी पीठ। तो डुक्का लगा दिया है पीठ में भैया, अब लेके जा रहे हैं बीज खेतों में। गुरु ना उड़िया अवार है, आली जाओ बमनी बस। चलो फिर चलो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। जय आज क्या है? आज क्या है यार? 15 अगस्त बोल दो। वे गए। आज क्या है? 26 जनवरी। ठीक है ठीक है, चलो फिर चलो। तो भैया ऐसे जा रहे हैं खेत के किनारे किनारे, क्योंकि यहाँ पे भी ब्यन रखा हुआ है, अगर बीचों बीच जाएंगे तो उनका बीज खराब हो जाएगा। तो खेत के कोने कोने जा रहे हैं, और ये चाची लेके जा रहे हैं घर मेल, क्योंकि उनके पैरों में रुपाई लगाने की वजह से कादू हो गई होगी। ये देखिए ये रुपाई लगाने के चक्कर में ना ये सारा मांस फट जाता है, ये देखिए। तो ये मेल कूट के उसमें लगाएंगे तो ठीक हो जाता है ना, है चाची? ठीक हो जाता है उसके बाद। तो यहाँ पे भी चल रही है ये मेजदा लोगों की रुपाई, जे जे ये वाले खेत में डाल रहे हैं पुत और भाभी और भांजी यहाँ पर। बाकी ये गुना है और वो हिमुडॉन है, ये भी आज काम कर रही है, मगर ये मेरे को देख के डरने लग गई है। हिमो ब्यो मुठ लफाई दे। अरे अरे जब लफाए, हाँ लफा दी तू, तेल लफा दी तू, वहाँ लफा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, उसको फेंकने देना बाबू। ओए बाप रे गुड, ए लॉटली बाय कह दिया। वहाँ पे देखिए हिमुडॉन इतने बड़े कनाल में आ रही है, कह रही है भाभी। अच्छा अच्छा जू लफा देना है हिमो, जू क्या खुआना है तू? और साथ ही यहाँ पे जेज और भाभी भी डाल रहे हैं पुत, और ये तो इनके मुंशी हो, ठेकेदार हो साहब आप, इनके क्या हो? ठेकेदार हो। ये वाला खेत इनका लास्ट है, बाकी उसके बाद है ये वाला खेत। अरे मतलब वाली मैंने बता दिया है, ये वाला खेत वहाँ पर खत्म हो रहा है, फिर ये वाला खेत है। जो भी है ना। हाँ यार, हेलो हेलो, और क्या चल रहा है सर? बढ़िया सर, आप ठीक हो? शकड़ की बजा तो
यो बात ठीक को आज बा ठीक है बस ठीक है ओ ओ शो शो हला हला और साथ ही यहाँ पर चल रही है जेज की बियन उपड़ा उपड़ो जेज उपड़ो जहाँ का हो ना कहा उल्टू सुल्टू वाल मेरे भाई यकलो उपड़ है बियन हाँ जेज और भैया साथ ही यहाँ पे जाप लगा रहे हैं अब इछल यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो ज्यादा दिक्कत है जाप के लिए ओ पान लगा बे थोड़ा सा पानी आ रहा है और इतना बड़ा खेत है ओ कल्पना और ये छोटू है ए छोटू है ए जाब है जाब हेलो 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 तो मैं पहुंच चुका हूं घर और यहां पे चंदू लगा रहा है गायों के लिए धुआं ये देखिए जला भाई जल्दी जल्दी गायों को चराल बहुत चटका रहे हैं तो मुझे ले आया चाय बस इतना ही डाल मिल ले बाकी चलिए इस चाय के साथ ये ब्लॉग भी यहीं तक रखते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्द अगले ब्लॉग में तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का जय हिंद वंदे मातरम चल 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 चल